तो उसमें उन्होंने छुट्टी और साथ ही साथ शहीदों को सौ घर तक भिजवाने की व्यवस्था की थी। वही अगर बात की जाए, रोकना चाहेंगे विमांशु जी, पीएम मोदी खुद मुलायम सिंह को लेकर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, सीधे आपको लाइव ले चलते हैं वहां पर। कम किया था और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया, घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वो इस देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था, उन्होंने कहा था मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे पेपर जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। साथियों, इस बार मैं ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है, जैसे हमारे धरती पुत्र कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी। संविधान निर्माण में देश अनेक योगदान को उनको कभी भी भूल नहीं सकता है। सोमनाथ के मंदिर के भव्य निर्माण में सरदार के साहब कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले मुंशी साहब की भूमिका को कोई भूल नहीं सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय संगीत के सिरमौर, उसको बुलंदी देने वाले पंडित रोमनाथ ठाकुर, उनका नाता भी तो इसी मिट्टी से रहा है। ऐसे महान व्यक्तियों के काम से प्रेरणा लेकर हम गुजरात का गौरव बढ़ाने और गुजरात को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, गुजरात की देश की प्रगति में, चाहे वो गुजरात की प्रगति हो चाहे देश की प्रगति हो, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भरूचनी भागीदारी एक जमानो हतो, आपणू भरूच खाली खारी सिंह ने कारणे ओळखातुं हतुं, आजे मारू भरूच
उद्योग धंधा व्यापार बंदरों केट केटली बाबतमां एनो जय जयकार थई रह्यो छे। अने आजे मारा आ प्रवास दरमियान गुजरात में जे शिलान्यास अने लोकार्पणना काम थई रह्या छे, भूतकाळ में कोई एक सरकारोना एटले गुजरातना भूतकाळना बजेट करता पण जूनी सरकारोमां गुजरातनुं जे कुल बजेट हतुं ने एक वर्षनुं एना करता वधारे मैं एक प्रवास में लोकार्पण ने शिलान्यास कार्यक्रमों करी दीधा छे। भाई आ गुजरात क्या थी क्या पहुंची गयो, अने हवे अमारो तो भरूच जिल्लो पण कॉस्मोपोलिटन जिल्लो बनी गयो छे। अहींया हिंदुस्तान ना लगभग बधा राज्यों ना कोई ना कोई भाई बैठा हशे, अने आखा भरूच जिल्ला में जाओ तो तमने कोई केरल नो माणा मळे, कोई बंगाल नो मळे, कोई बिहार नो मळे, आखा देश ना। एक जमानो तो भाई कलकत्ता दिल्ली मुंबई आने कॉस्मोपोलिटन कहता था, आज गुजराते एटली बड़ी प्रगति करी छे कि गुजरात ना अनेक जिल्ला कॉस्मोपोलिटन बनी गया, अने आखा देश ने पोतानी साथे प्रेम थी समावेश करीने राखता थई गया। आ गुजरातनी विकास यात्रा नी ऊंचाई छे। भाइयों बहनों, आज पहला बल्क डाग ड्रग पार्क, पहला बल्क